हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू कीमा की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो गाइस, ये रेसिपी एक बार आप बना के किसी को खिला देंगे या फिर आप बनाकर इसे खा लेंगे तो ये रेसिपी आपको इतनी पसंद आएगी आप बार बार इसी रेसिपी को बनाएंगे। तो गाइस, परफेक्ट कीमा बनाने के लिए, बिल्कुल डिलीशियस कीमा बनाने के लिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और मेरे एक एक टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो कीजिएगा तो आपका कीमा परफेक्ट बनेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 kg कीमा। तो यहाँ पर मैंने ये लिया है मटन कीमा, आप चाहे तो आप कोई सा भी कीमा ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मोटा कीमा लिया है, आप देख सकते हैं ये मोटा कीमा है। तो चलिए हम चलते हैं अब इसे बनाने के लिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने डाल दिया है एक कढ़ाई और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। आप जो ऑयल खाते हैं आप उसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ना 5 से 6 मैंने सूखी लाल मिर्च ले ली है। हमें ना इसका एक थोड़ा सा कलर चेंज करना है, जब तक एक मिर्च में से खुशबू जैसी रिलीज ना हो जाना तब तक हमें इसे फ्राई करना है और फ्राई करके हमें इसे निकाल लेना है। और अब इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले, तो ज़्यादा मसाले हम नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया 2 छोटी इलायची, 3 से 4 मैंने लौंग लिया है और 2 से 3 डाल देंगे इसमें दालचीनी का टुकड़ा। फिर यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, उसको भी हम इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे। और डाल के हमें प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा हमें प्याज को ब्राउन करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया है तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट और इसे डाल के हमें जो है प्याज में बहुत अच्छी तरीके से भून लेना है। तकरीबन 1 मिनट आप इसे भून लीजिएगा। तो यहाँ देखिए गाइस, हमारा जो है लहसुन अदरक भी काफ़ी अच्छी तरीके से भून चुका है। तो अब आ रही है इसमें कीमे को डालने की। तो यहाँ पर मैं कीमा को डाल देती हूँ और गाइस, मैंने कीमा को अच्छे से वॉश करके लिया है। आप देख सकते हैं मैंने जाली वाली चलनी मैंने इसलिए ली थी क्योंकि मैंने उसी में वॉश किया था, इससे कीमा जो है नीचे नहीं गिरता है और जाली वाली चलनी में बहुत अच्छी तरीके से कीमा धुल जाता है। तो कीमा डाल के हमें जो है इसको बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करना है, जिसमें जब इसका पानी छूट जाता है ना हमें तब तक इसका फ्राई करना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है कीमा काफ़ी अच्छी तरीके से हमने जो है भून लिया है प्याज के साथ। और उसके बाद मैंने यहाँ पर कर दिया गैस का फ्लेम लो। अब डालेंगे हम इसमें मसाले। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच इसमें डालेंगे धनिया पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर डालिएगा। और यहाँ पर हम डालेंगे नमक और यहाँ पर डाल देंगे जो हमने मिर्ची निकाली थी ना फ्राई करके, उसको भी तोड़ कर हम इसमें हल्का हल्का हाथों से तोड़ कर हम इसमें डाल देंगे। फिर यहाँ पर मैंने डाल दिया टमाटर और इन सभी को डाल के हमें बहुत ही अच्छी तरीके से मसालों में, इन सभी में हमें बहुत अच्छी तरीके से भूनना है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं भूनिएगा तो कीमा अच्छा नहीं बनेगा। तो ये चीज़ का बिल्कुल ही आप ध्यान देकर ही इसे बनाइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर माशाल्लाह कीमा बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है और इसका जो कलर भी है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हो गया है। ये देखिए कलर कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं इसमें डाल देती हूँ छोटी कटोरी से, एक कटोरी में इसमें डाल रही हूँ पानी। तो पानी डालने के बाद जो है इसे जो है हमें ना ढक कर थोड़ा सा हमें कुक करना है, क्योंकि कीमा थोड़ा सा इस गल भी जाएगा तो इसलिए हमें जो है थोड़ा सा ढक कर हमें कुक करना है, बाकी चीज़ें हम बाद में डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कीमा को खोल दिया है और कीमा काफ़ी अच्छी तरीके से कुक हो गया। आप देख सकते हैं कितना धुआं आ रहा था ना, तो यहाँ पर कीमा भी काफ़ी अच्छे से कुक हो गया है। तो फिर हम दोबारा से क्या डालेंगे इसमें, पानी। और पानी डालकर हमें जो है अब कुक करना है ना, आलू डालना है तो आलू को हमें गलाना है तो पानी डालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया आलू। तो पता है फ्रेंड्स, इस कीमा में ना कच्चे मिर्च का ना टेस्ट, जो हरी मिर्च होती है ना कच्ची, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं तो कहूँगी आप ये ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च ली, बिल्कुल थोड़ी सी धनिया की पत्ती ली है। इसको ढक कर हम तब तक पकाएंगे जब तक हमारा आलू ना गल जाए, तब तक हम इसे पकाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे खोल देती हूँ। तो गाइज, मैंने इसको थोड़ा सा बीच बीच में चेक भी किया था। तो यहाँ पर देखिए कीमा हमारा जो है काफ़ी अच्छी तरीके से तो गली चुका है। और अब हम चेक करते हैं आलू को। तो अभी मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, देखिए आलू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से गल गया है। ये देखिए आलू भी बहुत अच्छी तरीके से गल गया है। तो गाइस, कीमा को चटपटा बनाने के लिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 नींबू। 1/2 नींबू मैंने लिया था जिसका मैंने रस निकाल लिया है, बीज वगैरह निकाल के, और इसको मैं इसमें डाल दूंगी। ऊपर से डाल देंगे धनिया की पत्ती और सभी को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और फ्रेंड्स, टेक से रिलेटेड आपको कोई वीडियो चाहिए या फिर आपका कोई भी सवाल या फिर कुछ आपको प्रॉब्लम हो तो मैंने जो है ना डिस्कशन बॉक्स में उनका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर के उनकी वीडियो देखिएगा। तो गाइस, बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं ना, किसी की सुनते नहीं है, कमेंट का जवाब भी नहीं देते हैं। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उस चैनल पर जाकर के उनको बोलिएगा, वो 100% आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये बहुत अच्छे हैं और इनकी वीडियो बनाने का भी ना तरीका बहुत ही अच्छा है, तो आप लोग ज़रूर उनके चैनल पर जाइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर दिया था, उसके बाद मैंने ढक दिया था ताकि धनिया का फ्लेवर है ना बहुत ही अच्छी तरीके से अंदर चला जाए। तो देखिए गाइस, दिखने में हमारा कीमा काफ़ी प्यारा लग रहा है। देखिए
कितना माशाल्लाह कलर बहुत ही अच्छा है। तो अब हम इसको मैंने यहाँ पर कर लिया सर्व। तो देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी बना है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। और डिस्कशन बॉक्स में लिंक है।